तरफ से पूरी शक्ति है कि कोई भी अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलने पाए। जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोग हैं उन्हें के आवागमन की अनुमति है और उनके लिए भी जो विभागीय रूप से परिचय पत्र जारी किया गया है वही लोग निकल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं निकल सकता। जो निकल रहा है उसको रोका जा रहा है, उसका कारण है। सर कितने बजे तक लागू रहेगा ये लॉकडाउन? ये लॉकडाउन सोमवार को सुबह 7 बजे तक के लिए है। 2 दिनों के साप्ताहिक लॉकडाउन का जायजा लेने उपजिलाधिकारी इकौना राजेश मिश्रा इकौना बाईपास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस व राजस्व कर्मियों के साथ अभियान चलाते हुए बिना वजह बाहर निकले लोगों से या लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला। इस दौरान दर्जनों वाहनों का चालान किया गया और दर्जनों लोगों से जुर्माने की राशि भी वसूली गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इकौना इलाके के इकौना बाईपास नेशनल हाईवे 730 के बौद्ध परिपथ के अलग अलग स्थानों की तस्वीरें सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उपजिलाधिकारी इकौना राजेश मिश्रा के नेतृत्व में लोगों से जुर्माना वसूला गया। आपको बता दें सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 2 दिनों तक साप्ताहिक लॉकडाउन पूरे प्रदेश में रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी लोग नियमों का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस तथा प्रशासन लगातार सतर्क है और कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। इकौना इलाके के विभिन्न स्थानों की ये तस्वीरें। यहाँ नहीं जो है बीमारी उमारी में बहुत मोहब्बत थी, आपने परिवार से रखो बाकी आओ नहीं क्या माटी जो जो है रुका कर किनारे लगाओ किनारे लॉकडाउन में जाना चलान कटेंगे। चलान काटेंगे। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? मालिक से बात नहीं करना, तुम्हारा इसका परमिशन नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? बनारस से आ रहे हैं। बनारस से कहाँ जाएंगे? बलरामपुर। तो आपको पता है लॉकडाउन है, फिर आप क्यों निकले घर से? लॉकडाउन है सर, लेकिन बच्चा प्रशासन की तरफ इतना लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, साप्ताहिक बंदी किया गया उसके बावजूद निकल रहे हैं। संपूर्ण लॉकडाउन है, कैसे घूम रहे हैं? आपको पता है प्रशासन की तरफ से इतना बताया जा रहा है लॉकडाउन है साप्ताहिक, तो क्यों निकलते हैं आप घर से बाहर? चले यहाँ काफी चलान कट कटो अंदर ले जाओ, 10,000 चलान कटाएगा। अरे कौन बात करेगा रे? बात नहीं करेगा वो, खुद अपने बूथ पर चल रहा है। अरे वाह, हम जिंदगी वाले आदमी हैं। श्री राम बाबा नाम।
बाप के नाम प्रहलाद। प्रहलाद गांव राघवापुर। कहाँ निकले ना भैया? आए अपने खेत में। मैं खेत राघवापुर। थाना कहाँ पड़ता है? रघुरामपुर। बलरामपुर अपना खेत देखने आया था। दोनों यहाँ का दबाने के लिए कल कल आपका चले जाके एक दिन आप लॉकडाउन में से बाहर निकले हो। इतनी बीमारी है सब लोग का गवर्नमेंट सब लोग मिले सचेत। वो बात तो सही है जी। आप सभी शारीरिक दूरी बनाए रखें, अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। आज लॉकडाउन है इसलिए आप लोग अपने घरों में रहें, अपने को सुरक्षित रखें, परिवार समाज को सुरक्षित रखें और लोगों को संक्रमित होने से बचावें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न लगाने पर 1,000 रुपया जुर्माना, दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। इसलिए आप सभी लोग डंडा साहब के पास रख दो, तू गन्ना उठा लो। डंडा साहब का दे दो, डंडा साहब का दे दो और तू गन्ना उठा लो। डंडा साहब का दे दो। लॉकडाउन में लेके इधर आ जाओ, इधर चलो। हाँ निकलो तुरंत, चलो कटो आप लॉकडाउन में।